नमस्कार दोस्तों, मेरे पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फीएसटे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट अपडेट, एएनएम मोर्चा ने काउंसलिंग के लिए निकाला नोटिस, एएनएम में काउंसलिंग होने की कितना चांस है। इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले। यह लेटर कहां से है, जारी किया गया और यह किनको किनको यह लेटर लिखा गया है, किनके द्वारा यह लेटर लिखा गया है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले। साथ ही साथ काउंसलिंग होने का कितना परसेंट चांस है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं काउंसलिंग के आधार पर यह वैकेंसी क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट करें। तो नोटिस हम आपको दिखाते हैं जो यह नोटिस किसको किसको लिखा गया है और यह नोटिस में कितना परसेंट चांस है इस नोटिस निकलने के बाद जो काउंसलिंग होगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए। दोस्तों बिहार संविदा एएनएम संघर्ष मोर्चा पता भी दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं, अच्छा से एक बार सुनाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। सेवा में माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री बिहार पटना, विषय वर्षों से अनुबंध पर कार्यरत एएनएम को 2018 कैडर रूल से काउंसलिंग कराते हुए अस्थायी नियुक्ति करने के संबंध में। उसके बाद प्रसंग देख लीजिए, बिहार तकनीकी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 07/2022। महोदय चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए। कल हमारी बहन देख लीजिए धरना प्रसन्न की और भाजपा कार्यालय के घेराव किए थे पटना में। उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री आए थे और मिले थे और आश्वासन भी दिए थे जो काउंसलिंग के आधार पर हम वैकेंसी को क्लियर करवाएंगे। और आज देख लीजिए एएनएम संघर्ष मोर्चा के तरफ से लेटर लिखा गया है स्वास्थ्य मंत्री को। आगे देख लीजिए, महोदय उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में निवेदक पूर्वक कहना है कि बिहार तकनीकी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 07/2022 द्वारा 10709 एएनएम के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे। विदित हो कि उक्त विज्ञापन वर्ष 2018 में गठित एएनएम नियमावली से आच्छादित था एवं वर्ष 2018 के नियमावली से ही हजारों नियुक्तियां काउंसलिंग के आधार पर हुई है तथा उसी नियमावली के अनुसार वर्ष 2022 में भी बिहार तकनीकी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 07/2022 के माध्यम से 10709 पद पर एएनएम की वैकेंसी निकाली गई। प्राप्त आवेदन की अंतिम स्क्रूटनी कर सूची भी बनाई जा चुकी है, लेकिन अचानक पिछले वर्ष राज्य सरकार द्वारा 1 जून 2023 को वर्ष 2018 में गठित पूर्व की नियमावली को रद्द कर नई नियमावली 2023 गठित कर दिया गया था और इसके आधार पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा पूर्व की वैकेंसी पर नई नियमावली 2023 के अनुसार परीक्षा लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश निर्गत किया गया, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। फिर सरकार के निर्देश का पालन करते हुए हम लोग जो कि कंप्यूटर बेस्ड निगेटिव मार्किंग के साथ एएनएम, देख लीजिए यहाँ पर एएनएम नहीं, यहाँ पर एग्जाम होगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है, एग्जाम भी दे चुके हैं। परंतु सर आप ही सोचिए, जो इंसान वर्षों से एएनएम की नौकरी संविदा आधारित कर रही है, जिस पर कोरोना जैसे महामारी एवं अन्य सभी प्रकार के स्वास्थ्य जाँच की अत्यधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ता है, उसको इस आधुनिक यहाँ पर टाइप हो जाएगा, टाइप पे लिखा हुआ देख लीजिए, इतना छोटा लिखा हुआ है और उसमें भी पेज है क्योंकि कोई पीडीएफ में नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। आधुनिक टाइप एग्जाम में सफल होना कितना मुश्किल है, यह जनता को और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए वर्षों से कार्यरत एएनएम के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि हम लोग का पठन पाठन कार्य छूट गया है। हम लोगों द्वारा लगातार व्यवहारिक कार्यों का संपादन किया जा रहा है। पूर्व में भी हम लोग भवदीय से मिले थे जिसमें माननीय सहमत थे कि यह गलत हो रहा है, मतलब पहले ही स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे। आपको पता है जिस समय हमारी एएनएम बहन 40 दिन तक धरना प्रदर्शन किए थे, उस समय भी सम्राट चौधरी से ज्ञापन सम्राट चौधरी को दिए थे और सम्राट चौधरी बोले भी थे जो हम काउंसलिंग के आधार पर क्लियर करवाएंगे, तो फिर उन्हीं को लेटर लिखा गया। अब देखिए आगे, अतः अब आप स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं, इसीलिए देखिए है ना, उन्हीं को दिया गया था।
इसलिए आपसे सादर अनुरोध है कि विज्ञापन संख्या 07/2022 में नियुक्त पूर्व के प्रावधानों के अनुसार दसर शासनों एनएम के पद पर काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति करने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए। इसके लिए बिहार संविदा एनएम संघर्ष मोर्चा मानने का सदैव आभारी रहेगा। देख लीजिए सारा चीज़ है यहाँ पर, विश्वासवादन अर्चना कुमारी संयोजिता, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बिहार संविदा एनएम न्याय संघर्ष मोर्चा, देख लीजिए यहाँ पे अर्चना कुमारी के द्वारा लिखा गया, यहाँ पर विश्वासवादन अर्चना कुमारी संयोजिका, ठीक है, बिहार संविदा एनएम संघर्ष न्याय संघर्ष मोर्चा। तो दोस्तों देख लीजिए, इससे पहले भी सम्राट चौधरी बोले भी थे जो हम कौशली के आधार पर वैकेंसी क्लियर करवाएंगे, और क्या दफ़ा जो है सम्राट चौधरी से मिला भी गया, कल भी हमारी एनएम बहन मिल के आई है, कल भी अपनी बात को उनके सामने रख के आए, और आज लेटर उन लोगों के द्वारा लिखा गया है, देख लीजिए। और पिछले 6 महीना से हमारी अर्चना दीदी देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कौंसलिंग को लेके। और आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं रहे अर्चना दीदी के साथ, अब देखते हैं 10 से 20 ही एनएम स्टूडेंट जा पाती है, इसलिए क्योंकि 40 दिन आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि यूनिटी ही कम था। और अभी देखिए लगातार 6 महीना से हमारी एनएम बहन लड़ रही है, लगातार जो है काउंसलिंग को मांग कर रही है, काउंसलिंग को डिमांड कर रही है, हर चीज़ कर रही है। और उसके लिए देखिए टोटल 1.5 महीना के अंदर 7 जो है आपको ही पता होना चाहिए जो सुनवाई भी हुआ था, 7 जनवरी, 15 जनवरी, 21 जनवरी, 29 जनवरी, उसके बाद देखिए 5 फरवरी, 12 फरवरी और अभी देखिए 15 फरवरी कल क्या हो पाता है, कल भी सुनवाई नहीं होने वाला, इसलिए कल सुनवाई नहीं होने वाली है क्योंकि अभी तक केस का आपको सीरियल नंबर भी नहीं मिला, नहीं लिस्टिंग हुआ, हर चीज़ हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, नहीं अपडेट अभी तक किया गया, इसलिए कल भी इसका सुनवाई नहीं है। और लगातार देख लीजिए हमारी एनएम बहन के द्वारा मांग किया जा रहा है। अब आगे इसमें देखिए ये तो आयोग तो मनमानी किया है, कितना मनमानी किया है, कैसे रिजल्ट दिया है, कैसे दे है, वायरल किया है रिजल्ट को, आप खुद देख रहे हैं कहाँ से वायरल हुआ नहीं हुआ, इसका भी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, यह भी जाँच की विषय है, बट इस पर भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, सबको सिर्फ घर बैठे हर चीज़ चाहिए। तो दोस्तों अभी यही अपडेट निकल के आई है, हम यही कहेंगे जो एनएम बहन सब जो भी एनएम संविदा पर कार्य कर रही है, जो फ्रेशर है, आप अर्चना दीदी की सपोर्ट कीजिए, तभी जाके बात बनने वाली है, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। तो अभी यही अपडेट निकल के आई है जो कि हम आपके भी शेयर किए हैं, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही पटना हाईकोर्ट की तरफ से हमारी एनएम बहन के द्वारा और विभाग की तरफ से बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अगर वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।